स्टूडेंट्स, आज मैं आपको देयर के बारे में एक खास बात बताने वाला हूँ। कल इसे पढ़ाया था तो एक बात इसमें जो स्पेशल बात थी वो रह गई थी, तो आज मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, एक बार मैं फिर समझा दूँ, इसमें जो देयर है, यूज ऑफ देयर, देयर की पहचान वैसे कोई खास नहीं होती, लेकिन इसका है कि जिन वाक्यों में कोई कर्ता नहीं होता, यदि कोई वाक्य आए उसमें कर्ता ना हो तो उन स्थानों पर कर्ता के स्थान पर हम उसको देयर को रखते हैं सब्जेक्ट के रूप में, उसको सब्जेक्ट के रूप में रखते हैं। अच्छा, विशेष बात क्या है इसमें कि वाक्य के शुरू में यदि देयर आएगा, वाक्य के शुरू में यदि देयर आएगा तो देयर का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन यदि वाक्य के कहीं बीच में अगर देयर आ जाएगा, मैंने यहाँ लिखा भी है, यदि वाक्य के बीच में कहीं देयर आ जाएगा तो उसका अर्थ होता है, उसका अर्थ है हिंदी में वहां के रूप में। ये देखिए, वहां के रूप में उसका अर्थ होता है, इसीलिए मैंने दो एक उदाहरण बता के समझाने की कोशिश की है। पहला उदाहरण देखेंगे, वहां जाओ या वहां जाइए, तो इसको बनाया प्लीज गो देयर। तो देखो यहां पर लास्ट में आया है, तो लास्ट में आया है तो यहां पर इसका अर्थ है वहां। सेकेंड सेंटेंस है, वहां वह वहां नहीं थी, सी वॉज नॉट देयर, तो यहां पर भी इसका अर्थ आया है वहां। और लास्ट है, वहां कोई नहीं है, वहां कोई नहीं है, तो नो बडी इज देयर, तो यहां पर भी। तो कहने का मतलब यह है कि यदि वाक्य के शुरू में देयर आएगा, इंग्लिश सेंटेंस में वाक्य के यदि शुरू में आएगा, तो वहां पर उस देयर का कोई अर्थ नहीं है, वो केवल इंट्रोडक्टरी नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन यदि वाक्य के किसी अंत में आ जाए या कहीं बीच में आ जाए, इंग्लिश वाक्य में देयर आ जाए, तो उस देयर का अर्थ वहां होता है, इसीलिए इसको हम प्रयोग करते हैं। अब देखिए, एक सेंटेंस मैं बना के दिखाऊं, जैसे लिखा हुआ है, देयर इज ए सॉरी देयर वाज ए किंग। तो इस सेंटेंस में ये देयर शब्द शुरू में आया है, लेकिन यहां पर इसकी हिंदी नहीं है, हिंदी नहीं है, ये बस केवल शुरुआत के लिए है, बाकी इतने की हिंदी बनती है। अब इसकी हिंदी बनाइए तो क्या बनेगी, एक राजा था, ओके, एक राजा था। तो इस तरीके से जो है दो तरह के सेंटेंस बने हैं इसमें, एक वो है जो मैंने कल बताए थे इस टाइप के, एक ये है जो अब आज बताए हैं इस टाइप के, ठीक है। अभी मैं एक एक्सरसाइज दूंगा, तो सभी बच्चे उस एक्सरसाइज को करना, उसमें दोनों तरह के सेंटेंस मिक्सअप होंगे, एक तो वो जिनमें देयर शब्द लास्ट में आएगा कहीं या बीच में आएगा, और एक वो जिनमें शुरू में आएगा। तो दोनों तरह के सेंटेंस बनाने की कोशिश करना और दोनों में डिफरेंस जानने की कोशिश करना कि उनमें अंतर क्या है, क्योंकि ये जो हमारी कहानी होती है सारी पास्ट में जिन सेंटेंसों में ऐसा कोई सब्जेक्ट ना हो, तो उन सब्जेक्टों के स्थान के लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये चैप्टर समाप्त हुआ, मैं अभी एक एक्सरसाइज दूंगा, तो उस एक्सरसाइज को करने की कोशिश करना। ओके, गुड बाय।